तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन गर्ल इन यूरोप और मैंने आज अपने पति को भगा दिया है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि इंडियन गर्ल इन यूरोप और आज जैसा कि टॉपिक देख के मतलब टाइटल देख के आपको पता ही चल रहा है, मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ डिफरेंट लाइफ इन जर्मनी वर्सेस इंडिया। क्योंकि मैं बहुत टाइम तक जो है वो बैंगलोर में रही थी तो ऑफ कोर्स, और अभी जो है मैं साउथ जर्मनी की एक छोटी सिटी में रहती हूँ, तो मैं आपको बहुत हद तक इन दोनों से रिलेटेड कुछ बताऊँगी। जो हो सकता है आपको कुछ बातें जो है वो लगे बहुत अच्छी, कुछ लगे आपको बेकार, कुछ लगे बहुत बेकार। तो जैसा भी है आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट करना व्हाट यू लाइक इट व्हाट यू डोंट लाइक इट एंड गुड एंड बैड। आप जर्मनी की एक सिटी में रहती हो जिसका मैंने जो टूर है वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, और बैंगलोर में कुछ 5 साल तक मैं रही हूँ, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगी। एंड आप लोग बताना कौन सी लाइफस्टाइल जो है वो आपको अच्छी लगती है, इंडिया की कौन सी जर्मनी की। ऑफकोर्स सारे पॉइंट्स पहले देखना जो जो मैं बता रही हूँ, और उसके बाद कमेंट करना गुड बैड और वेरी बैड और यू कैन से दैट अगली। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बताती हूँ, उसके बाद सेकंड दीपक बताएगा। दीपक कैमरे के पीछे है, हाय तो कर दो। फर्स्ट पॉइंट है वेदर। वेदर के बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, विंटर दिखा चुकी हूँ, समर दिखा चुकी हूँ यहाँ का, ऑटम दिखा चुकी हूँ, और ये जो जितने भी सीज़न है लाइक 4 सीज़न है, चारों सीज़न जो है यहाँ के बहुत ही अच्छे से समझ में आते हैं कि ओके विंटर आ गया, अब समर आ गया, और उसके हिसाब से लोगों के कपड़े जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, पेड़ों के कलर चेंज हो जाते हैं, और जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। जबकि जब वो मैं बैंगलोर की बात करूं तो बैंगलोर में बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, कुछ 18 से 20 डिग्री, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होते। और यहाँ दिन में ही आप मतलब एक दिन जो है अगर 20 टेम्परेचर है तो हो सकता है अगले दिन जो है वो -5 टेम्परेचर हो, तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन यहाँ पर मैंने देखा। विंटर्स जो है वो बहुत ही डिप्रेसिंग भी हो जाती है कभी कभी, और समर्स जो है वो इतनी एक्साइटिंग होती है कि रात में 10 बजे तक भी उजाला लगता है। तो ये बहुत बड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने यहाँ पर देखा, जहाँ पर मुझे समर में बहुत ही अच्छा लगता है सब कुछ, और विंटर में ऐसा लगता है अरे यार विंटर जल्दी से ख़त्म हो। 6 महीने की विंटर्स होती हैं, एवरेज टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री होता है। समर्स भी यहाँ पर 40 डिग्री तक चली जाती है, लाइक लास्ट सीज़न में समर्स 40 ग्रेड तक गया था, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लोगों को लगता है कि यहाँ पर शायद गर्मी पड़ती नहीं होगी, पर 40 ग्रेड और वो भी बहुत ज़्यादा, सन शायद नीचे है यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर 40 ग्रेड में ऐसा लगता है भाई तुम्हारा काम जो है वो तमाम हो गया। उसी के जो आगे वाला पॉइंट है वो नेक्स्ट बताती हूँ मैं, या दीपक बताता है कि उससे रिलेटेड लाइक गर्मी होती है एंड तो भी हमारे पास एक जो चीज़ इंडिया में हर जगह होती है वो नहीं होती, अब वो दीपक बताएगा। ओके तो जो जैसा सुरभि ने बताया सेकंड पॉइंट उसी से रिलेटेड है, घर। घर में बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। जो मेन चीज़ सुरभि ने बताई, जैसे गर्मी में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पंखा नहीं होता है भाई, नो सीलिंग फैन। टेबल फ़ैन यूज़ कर सकते हो आप, ख़रीद सकते हो, सीलिंग फ़ैन घरों में होते ही नहीं है, तो वो एक बड़ी मुश्किल है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। दूसरा अगर आप देखो यहाँ पर फिटेड किचन्स होती हैं। फिटेड किचन का मतलब ये है कि किचन में सारी चीज़ें ऑलरेडी इनबिल्ट होंगी, जैसे आपका स्पूल मशीन, डिश वॉशर हो गया, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर गैस नहीं होती, जो हम गैस यूज़ करते हैं ना इंडिया में, सिलेंडर और वो सब नहीं होता। यहाँ पर जो कुकिंग इक्विपमेंट होते हैं वो हीटिंग वाले होते हैं, इंडक्शन टाइप के, तो वो एक डिफरेंस है। चौथा यहाँ की विंडोज़ अगर आप देखोगे तो हम आपको वीडियो में इसी में क्लिप डाल देंगे, ओपन करने के 2 डिफरेंट तरीके हैं उनको। और भी मेजर डिफरेंसेस होते हैं, लोग आप जब घर लेने जाओगे तो हो सकता है आपको किचन मिले ही ना, खाली हो, किचन ही ना हो, तो लोग क्या करते हैं किचन अपनी ख़रीदते हैं और साथ में लेके घूमते हैं, मतलब पूरी इनबिल्ट रहती है, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो एक और सबसे बड़ा डिफरेंस है वो आप यहाँ पर घरों में जो स्मोक अलार्म लगे रहते हैं, जो इंडियन खाना है ना वो बड़ा मुश्किल है बनाना। आपने अगर पराठे बनाए और धुआं निकल गया तो आवाज़ आने लगेगी चारों तरफ, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कंपेयर टू हमारे यहाँ से। ओके और जो एक और जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है वो बाथरूम। यहाँ पर आपको कई घरों में देखने को मिलेगा जो बाथरूम में नहाने वाला एरिया है वो एक सेपरेट अलग बाथरूम बना रहता है, और जो टॉयलेट है वो एक सेपरेट होती है, तो वो डिफरेंट होती है। और सबसे बड़ी बात, आपको पानी नहीं मिलेगा टॉयलेट में, तो जो जेट होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है, तो वो प्रॉब्लम होती है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एडजस्ट करने में हमारे लिए, स्पेशली जो इंडियंस हैं उनके लिए।
और दूसरा आपको घरों के अंदर हीटिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ना जो हिस्टोरिकली टेम्परेचर ऐसा होता था कि यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती थी, तो गर्मी अब थैंकफुली क्लाइमेट की वजह से गर्मी होने लगी है अब, लेकिन पहले सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए घरों में हीटिंग बहुत अच्छी रहती है, इंसुलेशन बहुत तगड़ा रहता है घरों के अंदर, तो आपको घरों के अंदर सर्दी बिल्कुल फील नहीं होगी। बाहर अगर -10 डिग्री टेम्परेचर भी है तो भी घर में आप शॉर्ट्स में घूम सकते हो, जबकि हमारे यहाँ अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ अगर 4 डिग्री भी टेम्परेचर हो गया तो भाई साहब बाथरूम में घुसना मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह। ओके, और एक और डिफरेंस है जो है पोस्ट बॉक्स, सबके एक अपने पोस्ट बॉक्स होते हैं बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि यहाँ पर आज भी पेपर्स की बहुत वैल्यू है, आपको हर चीज़ का लेटर आता है, ईमेल आए ना आए लेटर भेजते हैं, और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए आपने उनको बोला कॉल करके कि मुझे इसका डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट से, तो आपको ईमेल नहीं भेजेंगे, वो आपको लेटर ही भेजेंगे, बोलेंगे ईमेल में हो सकता है वो डेटा लॉस हो जाए या सिक्योरिटी इशू है, तो आपको लेटर्स बहुत आते हैं, वीकली इतने लेटर्स आते हैं, हर चीज़ संभाल के रखनी होती है, तो लेटर बॉक्स की बहुत वैल्यू है। मेजर डिफरेंस और घर के अंदर वो है हॉट वाटर, जो बेंगलोर में मिसिंग है और ज़रूरत भी नहीं है शायद मेरे ख्याल में। तो हमारे यहाँ गीज़र्स होते हैं घरों में, स्पेशली बेंगलोर में अगर मैं बात करूँ तो बाथरूम में तो आपको फिर भी गर्म और ठंडा पानी मिल जाता है, लेकिन किचन में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको किचन में जहाँ भी टैप्स हैं वहाँ पर हॉट और कोल्ड दोनों का ऑप्शन होता है, तो आपको विंटर में बर्तन धोने के लिए डिफ़िकल्टी नहीं होती, जो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस हमने देखा यहाँ पर। ये थर्ड पॉइंट है व्हेन वी गो आउट, तो हम लोग जो बेंगलोर में इन्जॉय करते थे वर्सेस जो बेंगलोर में वीकेंड्स पे बाहर जाना, और यहाँ पे वीकेंड्स पे बाहर जाने में मेजर डिफरेंस आया हमारी लाइफ में। वहाँ पे बाहर जाना क्या होता था, क्लब्स में जाना या फिर नियर बाय व्यू पॉइंट देखना, जैसे नंदी हिल हो गया, और क्या करते थे दीपक? या कहीं रिजॉर्ट में चले गए वीकेंड पे, बढ़िया स्विमिंग पूल में पड़े हैं वहाँ पर या फिर कोई रूफ टॉप वाले रेस्टोरेंट पे चले गए और वहाँ जाके कोई भी डिनर कर लिया या फिर लंच कर लिया। लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंस चेंजेस आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारा वीकेंड अब कैसा होने लगा है, हमारा वीकेंड होने लगा है जैसे हाइकिंग करने जाना, ट्रैकिंग करने जाना, ड्राइविंग पर जाना किसी जगह पर, और वॉक करना। वॉक करना तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ बहुत डिफिकल्ट है वॉक करना, क्योंकि जगह ही नहीं होती यार चलने के लिए। अब लेकिन जैसे मैं एग्जांपल दे पा, सॉरी दीपक एग्जांपल बता रही हूँ, कुछ भी नहीं चली हूँ मैं, बस अपने घर से यहाँ आई हूँ और मैं सुबह से अभी तक 6 किलोमीटर चल चुकी हूँ। तो वॉकिंग यहाँ पर एक्चुअली बहुत एक कॉमन चीज़ है, लोग यहाँ पर वॉक करना पसंद करते हैं। अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ऐसा है आपका, अगर कहीं से टाउन में घूमने जा रहे हैं तो लोग गाड़ियाँ लेके नहीं घूमते, गाड़ी पार्क करेंगे एक जगह और फिर पूरा टाउन पैदल घूमते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेते हैं, तो विच इज़ अ बिग डिफरेंस है ना। और ये बात आप लोग ज़रूर मानोगे जो यहाँ पर रहते हैं कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, और अभी तो हमारे पास गाड़ी है, जब हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी और हमें कहीं पर भी जाना होता था तो हम आराम से एक दिन में 20 किलोमीटर चलते थे आराम से। तो या ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट दैट इज़ हेल्दी, सो वी आर हैप्पी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्राइविंग रूल्स और हॉर्न बजाना, पिप 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 पिप। ये हॉर्न बजाने वाली बात जो है वो मैं पहले बताती हूँ, हॉर्न जो है वो मैं यहाँ पर सुनती ही नहीं हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी चली जाती हूँ तो मेरे को पूरे रास्ते हॉर्न सुनाई नहीं देता, लगता तो बहुत वियर्ड है, बट ये बहुत बड़ा लाइफ स्टाइल चेंज आया है। मैं बेंगलोर में रोड के पास रहती थी और मैं चाहे रात में सो रही हूँ या रात भर भी कभी कभी जो ट्रैफिक होता था और उसकी वजह से दिन रात जो है वो पिप 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 जो है वो बजता रहता था, जो कि बहुत ही वियर्ड था। अब यहाँ आने के बाद लगा है ओह यहाँ हॉर्न बजता ही नहीं है, ये बहुत बड़ा चेंज है। एंड द ड्राइविंग रूल्स, जो ड्राइविंग रूल्स है वो सब लोग फॉलो करते हैं, एंड आपसे भी लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ड्राइविंग रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। और मैंने ये भी नहीं देखा यहाँ पर कि लोग जो है वो बेफालतू में ही ड्राइविंग रूल्स जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे या अपनी लेन से दूसरी लेन में ऐसे ही जा रहे हैं बट विदाउट एनी कोई भी रीज़न, एंड स्पीड लिमिट और ये बहुत सारे रूल्स होते हैं, ऑफकोर्स उससे लोगों को फ़ाइन भी आता है तो थोड़ा डर है इस वजह से फॉलो करते हैं। प्लस मैंने देखा है यहाँ पर लोग जो रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं, तो ऑफकोर्स उन ये जो चेंजेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ उसकी वजह से थोड़े बहुत चेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं। हम बहुत ज़्यादा केयरफुली ड्राइविंग करते हैं और जब नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा फ़ाइन आ जाता है। और दूसरे लोगों के लिए भी मैं बता रही हूँ, कभी कभी अगर आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो ड्राइविंग में तो आपका शायद ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो सकता है या फिर आपको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये जो है ये चेंज है हमारी लाइफ में, एंड दैट्स अ गुड चेंज बिकॉज रूल फॉलो करना इज़ ऑलवेज गुड। तो एक जो मेजर डिफरेंस और हमारी लाइफ में आया है वो है सारे काम खुद करना,
मतलब सीरियसली यहाँ पे सर्विसेज इतनी महंगी है ना कि आप मतलब आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत कॉस्टली है। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में इलेक्ट्रिशियन का काम हो, प्लम्बिंग का काम हो, किसी चीज़ को असम्बल करने का काम हो, तो कभी कभी लगता है मैं ही इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं ही प्लम्बर हूँ, मैं ही कारपेंटर हूँ, ऐसा फील होता है अपने भगवान है यार सीरियसली। मतलब आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, यहाँ पे चीज़ें आपको ऐसे ही डिज़ाइन करी जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने बेड ऑर्डर किया तो आपको ऐसे डिज़ाइन की जाती है, आपको पार्ट्स में भेज दी जाती हैं, फिर आप उनको घर पर लाते हो या घर पर डिलीवर होती है, आपको खुद ही सारी चीज़ें असेंबल करनी होती है, पेंट खुद करना होता है, पानी का काम, कुछ भी अगर चीज़ ब्रेक हो जाए टूट जाए तो वो खुद से ही करनी पड़ती है। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सारा काम भैया खुद ही करना पड़ता है। इवन घर शिफ्ट करना है ना, वो भी इतना कॉस्टली है कि आप लोग क्या करते हैं, ट्रक रेंट पे लेते हैं, पूरा सामान लोड अनलोड करते हैं, खुद ही पूरा ट्रांसफ़र करना होता है, पूरा काम खुद ही करना पड़ता है भैया पैसे बचाने के लिए। वो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, जबकि इंडिया में ये चीज़ बहुत चीप है, मतलब बहुत चीप तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग फ्रेंड्स। हमारे यहाँ इंडिया में कोई रूल नहीं है कि आपको किसी से बात करनी है या उन्हें पहले से ही बताना है कि यार हमें मिलना है और मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ या ये। इंडिया में मुझे याद है बेंगलोर में मैं किसी भी फ्रेंड के घर के बाहर खड़ी होकर बोलती थी भैया मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हुई हूँ और मैं आ रही हूँ। बट यहाँ पर एकदम हमारी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गई है, बिकॉज हमें अगर किसी फ्रेंड्स के साथ मिलना है तो हमें पहले उनसे बात करनी पड़ती है, प्लान करना पड़ता है एंड देन ही हम मिल सकते हैं। इवन बाहर भी मिलने के लिए पहले प्लान करना होता है, कुछ भी चीज़ लाइक मीटिंग मतलब प्लानिंग। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है एंड बेंगलोर में मीटिंग मतलब पार्टी तो दिस इज़ द मेजर चेंज। बट ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे लोगों के वीडियोस में देखा होगा जर्मनी इज़ लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट है घूमना फिरना। ऑफ कोर्स यूरोप में जितने भी लोग रहते हैं वो आपको दिखता ही होगा कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना बहुत ही ईजी है। लाइक बेंगलोर में या इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, वैसे ही यूरोप में एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना लाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, जो एक बहुत मेजर चेंज आया है। क्योंकि हम लोगों के बहुत ही फ्रिक्वेंट प्लान बनते हैं लाइक आज स्विट्ज़रलैंड चलते हैं, नेक्स्ट वीकेंड फ्रांस चलते हैं, अरे यार बोर हो रहे हैं बार्सिलोना या फिर स्पेन चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेजर चेंज है हम लोगों के लाइफ में, क्योंकि 100-200 किलोमीटर दूर पे ही आप और दूसरी कंट्री होती है और पैसे भी खर्च ज़्यादा नहीं होते और आप दूसरे कंट्री में चले जाते हो एंड इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं और आप लोगों को भी यहाँ की आसपास की चीज़ें दिखाते हैं, इसलिए हमारे चैनल का जो नाम है वो भी यही है इंडियन गर्ल इन यूरोप। नेक्स्ट पॉइंट है संडे। अगर आपसे कोई बोले संडे मतलब आराम तो आपको कैसा लगेगा? हमारे लिए अब हो गया लाइफस्टाइल चेंज का पार्ट संडे मतलब आराम। संडे को हम आराम करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, अगर जाते भी हैं बाहर तो जस्ट थोड़ा बहुत वॉक करने जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और जबकि जब हम बेंगलोर में थे तो हमारे जितने भी प्लान्स बनते थे लोगों से मिलने के या फिर बाहर जाने के वो सैटरडे और संडे ही बनते थे। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट हाँ दैट्स द पार्ट ऑफ आर लाइफ। और अब हम लोगों को संडे बहुत ही ज़्यादा क्वाइट लगने लगा है, बहुत ही ज़्यादा आराम वाला लगने लगा है और ऐसा लगता है कि संडे भैया खुद के साथ रहो, और ये है बहुत ही मेजर डिफरेंस। इसी के साथ मैं बताती हूँ सुपरमार्केट के बारे में। सुपरमार्केट जो होते हैं यहाँ पर, जैसे मुझे इंडिया में मुझे याद है अगर मुझे सिर्फ शुगर लेने जाना है, शक्कर लेने जाना है तो मैं किसी भी आसपास की दुकान पे जाके और ख़रीद लेती थी, पर यहाँ पर एक भी चीज़ लेने जाना है तो आपको सुपरमार्केट जाना पड़ता है। इसी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है और प्लानिंग करके सामान लाना पड़ता है या तो सैटरडे या वीक में एक दो बार, जो हम नहीं कर पाते बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि हम लोग प्लानिंग करके सामान लाएँ। तो यहाँ पर वो वाली स्टोर्स नहीं होती जहाँ जाओ और लेके आ जाओ, भैया अंकल शक्कर दे दो या ये दे दो, तो ऐसी वाली स्टोर्स नहीं होती, या दूध लेने चले जाओ। और सुपरमार्केट पे सब कुछ मिलता है, मतलब अगर बड़े सुपरमार्केट्स हैं तो उसमें सारी ही चीज़ें मिलती हैं। तो जाओ एक दिन प्लान करो और सारी चीज़ें जो है वो लेके आ जाओ। प्लस सुपरमार्केट जो हैं वो थोड़े डिफरेंट भी हैं, वो आप लोगों को दिखाया ही है। तो ये एक मेज़र डिफरेंस है कि चलो यार आज घूमने जाने का मन है तो सुपरमार्केट ही चले जाते हैं, सामान ही ले आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सब कुछ हमें ही करना है। और हाँ, इसी से मुझे एक चीज़ याद आई, ऑनलाइन डिलीवरी सुपरमार्केट से यहाँ पर नहीं होती है, जबकि बेंगलोर में मुझे याद है कि मुझे कुछ भी चीज़ मंगानी है वो ईज़िली जो है वो आपके घर पे आ जाती है। तो
ये एक मेजर डिफरेंस है, बट या ठीक है, अभी हम लोगों को आदत हो गई है। बेंगलोर में हमें आदत थी हर चीज़ घर मंगाने की, यहाँ पर हमें हर या आदत है हर चीज़ लेके आने की, मतलब जाना और लेके आने की। यार फ़ोटो कोई इंसान ही हमारे खींचेगा, बट यहाँ पर हर चीज़ जो है, मतलब मोस्टली जो चीज़ है वो रिप्लेस हो गई है मशीन से, लोग जो हैं वो रिप्लेस हो गए हैं मशीन से। जैसे हम एग्जांपल मैं आपको एक बता रही हूँ, जैसे फ़ोटो जो है वो ऑटोमेटिक खींचता है, प्रिंटिंग जो है वो ऑटोमेटिक है यहाँ पर, फ़ोटो प्रिंट करना है वो ऑटोमेटिक है यहाँ पर, इवन कार जो वॉश है वो सारा कुछ ऑटोमेटिक है यहाँ पर, यहाँ पर बर्तन धोने की मशीन है यहाँ पर, इवन जो सामान है नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए जहाँ पर हमारे यहाँ 3 से 4 लोग लगते हैं उसके लिए मशीन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मशीन से रिप्लेस हो गई हैं, जो अब हमारे पार्ट लाइक लाइफस्टाइल का पार्ट, इसलिए क्योंकि जो बर्तन धोने वाली चीज़ है वो हम डेली 2 से 3 बार वो मशीन यूज कर रहे हैं, और बाकी भी जो इजीली, इवन यहां पर खाना बनाने की भी मशीन आ गई है, जो अभी हमारे पास नहीं है बट बहुत जल्दी हम वो खरीदने वाले हैं, जिसमें आप सिर्फ सेट कर लो कि आपको क्या चाहिए और वो शाम तक आपको बना मिलेगा, या आप जो भी टाइम सेट करोगे वो बना मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मशीन बेस्ड हो गई हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं है, और यहाँ पर जो लोगों के पैसे हैं लाइक जो सर्विस इंडस्ट्री है वो बहुत महंगी है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड। हमारे यहाँ तो इतने टाइप्स ऑफ फूड हैं, और बेंगलोर में मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई कोई भी खाना के लिए। प्लस हमारे गोलगप्पे एंड मोमोज एंड वो सारी चीज़ें, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमेशा दिन भर का पार्ट होता था गोलगप्पे खाना, कहीं भी जाके ठेले पे चाय पीना, बट यहाँ पर वो बहुत मिसिंग है। जर्मन फूड मतलब मीट और ब्रेड्स, बहुत टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, जो इनिशियली जब हम आते हैं और खाते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती, एंड देन कॉफ़ी, तो चाय तो मिलती नहीं है, कॉफ़ी वो भी इनिशियली अच्छी नहीं लगती, फिर थोड़ा टेस्ट डेवलप होता है। तो यहाँ का खाना इन शॉर्ट थोड़ा सा बोरिंग है, और हमारी बिकॉज बहुत सारी वैरायटी है और हमें वो टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से हमें हर चीज़ जो है वो खुद ही बनानी पड़ती है। अगर आज गोलगप्पे खाने का मन है तो खुद बनाओ, कल अगर समोसे खाने का मन है तो खुद बनाओ, जो भी खाना है खुद बनाओ और खाओ, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पहले कुछ भी खाना है तो बाहर से मंगाओ या बाहर खाने जाओ, अब कुछ भी खाना है तो खुद बनाओ, मेजर चेंजेस। पर आई एम श्योर जितने भी लोग यूरोप में रह रहे हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनके साथ ये जो है वो फैक्टर पक्का होगा, अगर हाँ तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट करें। नेक्स्ट पॉइंट है लोग बाग या ग्रीटिंग्स। ये पहले भी हम लोग बता चुके हैं पर इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, ये बहुत ज़्यादा मेजर और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चेंज है हम लोगों की लाइफ में, कि आप अननोन लोगों को हाय हेलो बोलते हो। जो इन लोगों का कल्चर है कि अगर आप यहाँ पर जा रहे हो या आप किसी से टकराए तो दे से हेलो एंड स्माइल करके हेलो, जो एक बहुत ही पार्ट हो गया है हमारी लाइफस्टाइल का, कि अगर हमें कोई भी मिलता है, सबसे ज़्यादा जो ओल्ड लोग होते हैं हम लोग उनको हेलो बोलना स्माइल करना जो है वो कभी नहीं भूलते। आई डोंट नो इंडिया में जाके यही चीज़ करेंगे तो लोग क्या समझेंगे या वियर्ड फेसेस बनाएंगे या नहीं, पर यहाँ तो हमारे लिए ये बहुत मेजर चेंजेस है, बिकॉज बेंगलोर में हम जिन्हें जानते थे उन्हीं से हाय हेलो करते थे, और यहाँ हर किसी से हाय हेलो करते हैं विद अ स्माइल। दैट इज़ रियली नाइस जो चेंज आया है यहाँ। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था सॉर्टिंग ऑफ गार्बेज जो नहीं करते थे, और भी बहुत सारे होंगे। वो एक डिफरेंस आया है डेली लाइफ में, हर चीज़ अलग अलग हमें सॉर्ट करनी पड़ती है गार्बेज, जो इंडिया में तो नहीं करते थे जब तक हम थे। हाँ, जब तक हम थे हम नहीं करते थे, अभी ऑब्वियसली बहुत सारे चेंज आए। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे बट हमने अभी आप लोगों को, ये बहुत बड़ा वीडियो हुआ है तो अभी कुछ चेंजेस बताए, आगे और भी सारे चेंजेस बताएंगे। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और जो लोग आने वाले होंगे उन्हें पहले ही पता चल गया होगा कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उनकी लाइफ में। और क्या करोगे दीपक, क्या बोलोगे लोगों से? बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आपको क्या मतलब डिफरेंसेस वियर्ड लगे उसके लिए कमेंट करना, और हम लाते रहेंगे इस टाइप के वीडियोस। और जो अच्छे लगे वो उसके लिए भी कमेंट करना, जो आपको लगता है वाओ दिस इज़ द वेरी गुड लाइफ स्टाइल चेंजेस। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं भी हैं, लाइक गोलगप्पे ठेले पे खाना, सारा काम खुद करना, और तो ये नहीं भी है, पर कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। तो ऑफ कोर्स कुछ अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें भी हैं, पर आपको क्या अच्छा लगा वो ज़रूर कमेंट करना, हम लोग देखना चाहते हैं, सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।